नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पी के राज व्लॉग में। दोस्तों आज हम ऊंटड़ा गांव में हैं, डिस्ट्रिक्ट है अजमेर, और यहां चौहान गोट फार्म पे हम आए हुए हैं। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार जी पुखराज जी। सर कैसे हाल चाल है सर आप? बस बढ़िया फर्स्ट क्लास। सर परिचय दे दीजिए सर आपका। सर मेरा नाम जफर इकबाल है जी सर, और लोग मुझे जफर के नाम से जानते हैं। प्रॉपर अजमेर से ऊंटड़ा गाँव जी, और अपने ब्रीडरों का काम है। ब्रीडर हैं? हाँ ब्रीडर ही सेल करते हैं मोस्टली अपन। ब्रीडर में कौन सी ब्रीड आप करते हैं सर? सिरोही और अजमेरी। सिरोही और अजमेरी में आप करते हैं सर? कितने साल से अपन कर रहे हैं सर? सर ये 3-4 साल हो गए। अच्छा। और अपने लोकल एरिया की सबसे बड़ी ब्रीड भी यही है। अच्छा। सिरोही अजमेरी। अच्छा। अपन यहाँ क्योंकि हैदराबादी के बारे में सोचा था, उसको हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। लोकल ब्रीड पर काम करना चाहिए अपने खाने पीने में, और जब बाहर लोग इसे लेके जाते हैं ना तो बहुत मजबूत ब्रीड मानते हैं इस चीज़ को। किसी भी इलाके या किसी भी सिटी में ले जाओ या राज्य में ले जाओ, सबसे मजबूत ब्रीड है ये। हर चीज़ का मौसम यहाँ पे सूटेबल है। सर इसमें एक ये चीज़ आ जाती है सर, आप जो सिलेक्शन करते हैं कि जैसे कोई ब्रीडर के लिए आपको तैयार करना है, तो आप कितने महीने से आप प्लानिंग कर देते हैं कि भाई इस ब्रीडर को आपने सेलेक्ट करना है, तो उस बच्चे को आप कितने टाइम से आप सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको आप ब्रीडर के लिए तौर पर तैयारी करना चालू कर देते हैं सर? तीसरे महीने से हम स्टार्ट कर देते हैं उसको। तीसरे महीने में उसका बॉडी वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ का ध्यान पड़ जाता है, हेल्थ वगैरह कैसी लेंथ वगैरह है, चेहरा वगैरह हर चीज़ का पूरा ध्यान पड़ जाता है अपने को। आपको ये आइडिया लग जाता है कि ये आगे जाकर ब्रीडर बनेगा? ब्रीड की क्वालिटी अलग हो जाती है। इसका जो माँ और फादर, इसका फादर और माँ मदर की आप क्या चीज देखते हैं इसके अंदर? कुछ क्वालिटी देखते हैं जिसमें ये कलर वगैरह, कान वगैरह, चेहरा वगैरह। मदर और फादर का भी कुछ देखते हैं क्या उसके अंदर? देखते हैं ना कि भाई माँ कितनी बड़ी है, बाप कितना बड़ा है, हर चीज़ की क्वालिटी देखने के बाद में ध्यान पड़ती है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो रिजल्ट है ना 2 दांत 4 दांत में माँ और बाप पे जाता है पूरा। कोई श्योर नहीं कर सकता कि मेरे 1 लाख का ब्रीडर भी लाएगा ना, 2 दांत 4 दांत पे रिजल्ट नहीं ला सकता। कोई अच्छी ब्रीड लाइन का हो टॉप क्वालिटी में वो तो ला सकता है, बाकी ब्रीडर का ओरिजिनल रिजल्ट 6 दांत और 8 दांत पर ही आएगा, ये श्योर है। कोई डॉक्टर इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकता कि 2 दांत का बच्चा रिजल्ट देगा, कोई नहीं देगा, श्योर नहीं है। बस 5% रहता है ओनली फॉर कि 2 दांत या अदंत बच्चा अपने पे रिजल्ट देगा, बाकी नहीं दे पाएगा। 6 दांत और 8 दांत पे ही रिजल्ट आएगा गारंटी के साथ। ये तो सर आपने बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है सर। काफ़ी लोग कहते हैं बच्चा है बच्चा है, बच्चे में कुछ नहीं होता है, रिजल्ट तो 6 दांत 8 दांत पे आएगा। चाहे छोटा बच्चा ले आओ 2 दांत पे रिजल्ट कभी नहीं आएगा। फिर कहते हैं लोग बच्चे के पैसे लिए, जवान बच्चा हुआ। अपने यहाँ पे तो लोग एक चीज़ मानते हैं, ये फीमेल होती है ना उसे 2 दांत पे क्रॉस करा देते हैं। बाकी पंजाब और हरियाणा में एक बड़ी बड़ी बकरियां और बकरे होने का एक ही रीज़न है क्योंकि वो 4 दांत पे क्रॉसिंग करवाते हैं। 4 दांत से पहले वो क्रॉसिंग कराते ही नहीं है। और अपने अजमेर में एक वैल्यू है, दांत की वैल्यू है कि 2 दांत को ज़्यादा जवान मानते हैं। हाँ ये उम्र का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, मतलब है ना उसका रिजल्ट भी तभी आता है कि जब आपकी उम्र जो प्रॉपर बड़ी जब भी होती है 4 दांत 2 दांत पे होती है तभी क्रॉसिंग होता है, भी फीमेल अच्छी बनती है, दूध भी अच्छे होते हैं, बच्चे भी अच्छे होते हैं। ये सर आपके पास तो काफ़ी अच्छे मतलब जो ब्रीडर है, जैसे अभी कितने ब्रीडर की क्या क्वालिटी है? क्वालिटी तो ब्लड लाइन का फ़र्क होता है, जो ब्लड लाइन का फ़र्क होता है। जफर भाई काफ़ी देर से बता रहे थे, लेकिन मैं किसान दोस्तों को कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो स्वागत है सर पी के राज जी आप ब्लॉक में, आपका, सभी किसान दोस्तों का। काफ़ी टाइम बाद में आप मतलब दर्शन दिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब का जो हमारे फार्म पे आए। आज का जो कंसेप्ट है ब्रीडर कैसा होना चाहिए, जानकारी किसानों से मिलती है, क्योंकि जो व्यक्ति ब्रीडर को पालता है वही उस ब्रीडर के बारे में बता सकता है। पहले मार्बल का काम करता था, फिर जैसे गुरुजी के साथ में काम करने के बाद में एक्सपीरियंस मिला, इन लोगों ने मुझे एक ही राय दी कि आप सिर्फ ब्रीडर पे काम करो। अभी इसको क्या मिल रहा है? जो मिल रहा है, हरी पत्ती मिल रही है, मेथी दाना मिल रहा है। जिस दिन इसको ब्रीडिंग में यूज कर लिया 4 साल बाद में 3 साल बाद में हम जब इसको खस्सी कराना चाहें इसको खस्सी करा लो, फिर इसको दूध चना देते रहो आप, बना लेना जितना बनाना है इसको वजन, आपके आदमी है। स्ट्रक्चर पूरा तैयार है, स्ट्रक्चर तैयार है, प्लेटफॉर्म पूरा तैयार है, जितना रखो उतना झेलेगा ये। तो सर ये क्या अभी सेल के लिए है क्या सर? ये सेल के लिए है। तो क्या सेल है? सारे होते हैं, सारे सेल के लिए। पांच ब्रीडर है आपके पास? 5 ब्रीडर सेल के लिए। और पांचों की सर कितने दांत तक के हैं सर? ये 6 दांत पे है। ये कितने दांत? ये 8 दांत फ्रेश है। 8 दांत का फ्रेश। और ये 6 दांत पे है। ये 6 दांत पे है और ये अजमेरा है ना। और हाइट क्या होगी सर इसकी? इसकी 40 हाइट है। 40 हाइट है। और वेट क्या होगा सर? वेट 100 किलो है इसका भी। 100 किलो का। और इसका सर? ये 2 दांत पे और 70 किलो वेट है। ये तो उसी का इसका बेटा है अपने। अच्छा, और इसका क्या होगा सर? इसका 105 किलो है। 105 किलो इसका वजन है ना। और
कोई भी आ सकता है, वो कांटे वाले काटा मशीन पड़ी है अपने यहाँ पे, तो वो दिखा दो। अच्छा, वो कंफर्म किया हुआ है? कंफर्म किया, कल ही काटा किया था। अच्छा, कोई आएगा तो आप कंफर्म करवा सकते हैं। किसी वक्त और कांटे में भी ये बता देते हैं जफर भाई के पास में, ची वो रात के 2 बजे कांटा कराए, ची वो 12 बजे कराए, अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे कराए, किसी वक्त भी कांटा कराए और वो कहीं पर भी लेकिन कई बार क्या होता है ना भाई, पानी पिला के कांटा करवा दिया, कुछ और नो, वो डाउट ही नहीं है भाई। हम जानवर का बॉडी वेट कम मानते हैं एक्चुअल, जब तक वो नॉर्मल वेज में है। तो हम नॉर्मल वेज में वो कभी भी आए, किसी वक्त भी आए, कोई भी क्लाइंट जो भी है इनको लेना है, बड़ा करा सकता है, क्योंकि ये अपने को केजी पे बेचना ही नहीं है किसी, वो बड़ा इश्यू नहीं है वेट का ना, ये नक्शे बिकता है ठीक है, तो वो भी इश्यू नहीं है। लेकिन फिर भी अगर अपने वो दिल की तसल्ली के लिए कांटा कराना चाहता है तो वो किसी वक्त भी कांटा कर सकता है। वो 2 घंटे रुक के फार्म पे, 4 घंटे ची, वो पूरे दिन रुक के जब उसका दिल चाहे वो कांटा करा सकता है। क्लियर जो है ना, माइंड में जो है ना डाउट नहीं होना चाहिए किसी तरह का, क्लियरिटी होनी चाहिए। तो 5 है सर, एक कौन सा सर, 4 का तो हो गया अपना, तो ये क्या ब्रीडर के लिए तैयार करेंगे सर? ये ईद के लिए तैयार हो जाएगा 2022 में, ठीक है। अच्छा, ये वाला, ये इसकी देखो, ये है ब्रीडर के लायक बच्चा, ये है ब्रीडर के लायक बच्चा। अब इन बच्चों में देखो, ये भी बकरा है सर, वो भी बकरा है और ये भी बकरा है, तीनों है। लेकिन देखिए, ब्रीडर की लेंथ अलग दिख जाती है इसकी, सर लेंथ काफी अच्छी दिख रही है, दिख रही है, और हाइट भी सर अभी, उसके कान अलग से दिख जाते हैं, उसके पंच अलग से दिख जाते हैं, जबकि उसका वो कहाँ डाउट आ गया, कलर में मार्क आ गया। लेकिन हम उसको ईद के लिए तैयार करेंगे। अच्छा, ये 2 ब्रीडर के लिए आप तैयार करो, ब्रीडर है ये दोनों ब्रीडर के लिए तैयार। तो ये क्या सर, इसकी क्या उम्र होगी सर? ये अभी 4 महीने का है सर, का बच्चा है, कन्फर्म 4 महीने का है, 47 kg वेट लगा लेंगे आज से 9 महीने बाद में। तो ये आपने खरीदा है या आपके? नहीं, होम ब्रीड है, होम ब्रीड है, होम ब्रीड है, मतलब 4 महीने कंफर्म है ये, 4 महीने कंफर्म। तो वेट तो सर काफी अच्छा हो गया सर, लगभग जबरदस्त कर रहा है ये, 40 kg होगा सर लगभग? नहीं नहीं, 45 kg 47 kg इसका वेट है, इसका इसका कितना, 45? हाँ, इसका 45, इसका 47। अब ये आपके सामने प्रैक्टिकल है जी, ये कहते हैं सिरोही की मदर ब्रीड, इसको कहते हैं, वो वेट यहाँ आता है, ये इसका वजन है 30 किलो। इसका तो सर 30 तो नहीं लग रहा, नहीं, नहीं, 30 किलो है, 30 किलो है, है। देखो ये, देखो आगे से, ये दूध पिया बच्चा है। हम ब्रीडर को तैयार नहीं कर सकते, ये जैसे अपने ईद के लिए तैयार हो जाएंगे, मतलब कोई ईद के लिए पालता ना इसके, इसके सींग देखो, बच्चे बराबर उम्र में है। अच्छा, जो उम्र सींग वगैरह उम्र बराबर है, लेकिन दूध नहीं पिलाया, दूध नहीं पिलाया, रीजन ये है। अब ये दूध पिया हुआ बच्चा है, दोनों सेम एज में, हालांकि ये 5-10 दिन बड़ा ही, इतना बड़ा हो गया, अभी भी इसको दूध पिला रहे हैं। अच्छा, इसको अभी अभी आपके सामने प्रैक्टिकल पिला के दिखा दूंगा, इसके माँ भी अपने पास दिखाऊंगा, अभी लास्ट टाइम मुझे बताना। तो सर सेल के लिए तो वो है सर, तो क्या है सर प्राइस बताएंगे सर, क्या है वो? फोन पे बताएंगे वो, क्या काफी लोग भी रीसेल करते हैं ना, तो फिर दिक्कत आती है कि इतने में लिया था, वो दिक्कत हो जाए। ऑनलाइन सबूत बताते लोग कि देखो मालिक ने कितनी कीमत बताई है। अच्छा, फिर ये डॉक्टर साहब कहेंगे उस दिन इंटरव्यू में 30,000 बताए, आज मैं 45,000 कैसे ले रहे हूँ, तो ऑनलाइन में दिक्कत ये है। तो आप जो कॉल करेगा, हाँ, जो खरीदेगा उसे को आप मतलब ये कंफर्म करो, और कोई भी बंदा लेना चाहता है वो यहाँ आके लाइव प्रैक्टिकल देख के ले सकता है, ऐसा नहीं कि भाई ऑनलाइन फ्रॉडिंग का सिस्टम नहीं है, यहाँ आओ देखो हर चीज चेक करो फिर लेके जा सकते हो, प्रैक्टिकल आए प्रैक्टिकल तौर पे ही देख के ले। हम तो सर जब तक आप किसी चीज को प्रैक्टिकल आंखों से ना देखें आप कोई भी व्यापार ना करें, चाहे वो कोई भी हो। सर कॉन्टेक्ट नंबर आप? 9667932600। सर यहाँ आने के लिए क्या साधन है, क्या किस तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं? ये अपने पे नियर में गेगल टोल टैक्स है, गेगल पुलिस थाना है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा। और दरगाह से 20 किलोमीटर है, 20-25 मिनट का रास्ता है। अच्छा। दरगाह से और किशनगढ़ एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर अपने 20-25 मिनट का। सर किशनगढ़ आके आपको कॉल करे, अजमेर आके कॉल करे, तो आप रिसीव कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और कुछ कहना चाहेंगे? 1 मीटर 12 वो भी 1-8 दांत है ये ना, 1-8 दांत ये है। हाँ, और 1-8 दांत हमने वो दिखाया, 2-8 दांत है इसके। अब 2-8 इसकी लेंथ, हाइट ज्यादा है सर, हाइट भी अच्छी है, लेंथ भी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन इसको खाना पीना बहुत कम मिला, इसलिए थोड़ा सा अमिताभ बच्चन की तरह दिखता है। इसका नाम भी अमिताभ बच्चन रखा है मैंने। अच्छा, अमिताभ बच्चन, उनका नाम नहीं बताया सर आपने? नाम तो जो गोल्डन वाला उसका तो गोल्डन बाबा ही है। अच्छा, गोल्डन बाबा। अच्छा, ये भी अच्छा है ब्रीडर, पंच इसका भी अच्छा है, पंच नकोड़ा देखो एकदम बीटल की तरह नकोड़ा है इसका। तो अच्छा खाना पीना देना, अभी भी 3-4 साल ब्रीडिंग ले सकते हैं, इतना गर्म है अभी। बैंड का सर बता रहे थे, बैंड में तो कुछ लग रहा है सर आपको? बैंड नहीं है इसके अंदर, कम बैंड कम है, देन उसके, हाँ देन उसके कम है। लेकिन क्या होता है, जितना बनना चाहिए था ना दूध नहीं मिला बचपन में,
तो कहते हैं जितना बचपन में दूध मिलता है सर उतना इतना हम इसको उस ब्रीडर से इतना एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो जो आए ना फार्मर उनको ध्यान देना है। मैं तो बता सकता हूँ सर, वो जो ब्रीडर दैट मीन द प्योर क्वालिटी ऑफ ब्रीडिंग, यहाँ आपको समझौता करना पड़ता है। समझौते में और ब्रीडिंग में फर्क होता है सर। इतना बड़ा हो गया तो इसी की माँ आ गया सर, इसकी माँ थोड़ी ना, ये इसी की माँ है। अच्छा, ये इसके ब्रीडर के लिए पकड़ रखा नहीं, पिलाती है दूध ये। और एक बोबे से पला छोटा बड़ा, इसका थन भी दिखाओ, एक थन से इतनी अच्छी ग्रोथ है इसकी, एक ही थन है। हाँ, एक थन खराब हो गया।